जनपद मथुरा के जिला चिकित्सालय में उस समय शोक की लहर दौड़ गई जब स्टाफ को सूचना मिली कि सुबह जिला चिकित्सालय में क्वालिटी मैनेजर के पद पर तैनात डॉक्टर विनोद पवार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसको लेकर अचानक अवकाश घोषित किया गया और जिला चिकित्सालय के चिकित्सक स्टाफ ने 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश इंदौर के रहने वाले डॉक्टर पवार सुशील व्यवहार और कार्यकुशलता पूर्ण व्यक्ति थे। जिला अस्पताल के साथ साथ जिला महिला चिकित्सालय में इस खबर से शोक की लहर छा गई। फिलहाल डॉक्टर की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। अब घटना क्या घटी है ये तो हमें नहीं मालूम, मगर हमें मालूम यही पड़ा है कि उनकी मृत्यु असामयिक जो है वो मृत्यु से हम बहुत शुभ हैं और वो हमारे बड़े कर्मठ और मेहनती जो है वो अपने पद पर रह के बड़ा निष्ठा से और मेहनत से जो है वो क्वालिटी मैनेजर के पद पर काम कर रहे थे। बहुत सरल स्वभाव था उनका, बहुत अच्छे थे। कल सुबह भी जो है वो बीजेपी की महिला मोर्चा की कुछ सदस्य आई थी तो उनका भी हमने सम्मान करवाया था पवार साहब का। उसके बाद फिर हमारे कायाकल्प का असेसमेंट 30 तारीख को प्रस्तावित है तो कल उनके साथ हमने मीटिंग भी करी थी कि क्या क्या काम होने हैं, और साथ में अजीता जोशी भी थी जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। तो उसके बस कल जो है वो इतनी, इसके बाद में जो है वो हमें मालूम पड़ा कि उनकी मृत्यु। तो फिर रात सुबह हमने अस्पताल को हमने ओपीडी बंद कर दी और उनको श्रद्धांजलि बड़े भारी मन से, उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दी ईश्वर। उनको करीब मेरे ख्याल से 3-4 वर्ष का समय हो गया था पवार साहब को, है 3-4 वर्ष से थे और अपनी नहीं, कभी ऐसा हमें तो समझ में आया नहीं और ना उनने हमसे कभी इस बारे में कोई चर्चा की। इस बारे में तो उनके परिवारजन जो है वो क्या घटना घटी है, क्या कैसे हुआ है, कल तो सारी जो है वो नॉर्मल तरीके से हमारे साथ रहे हैं, वो सुबह से लेकर दोपहर तक हमारे साथ थे। वो बताया मैंने, मीटिंग भी थी एक हमारी, पोस्टमार्टम वगैरह कुछ नहीं हुआ नहीं हमारे पास उनके किसी परिवार का कोई अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया है, न कोई जानकारी लगी है। वो तो हमें अपने स्टाफ के द्वारा ये जानकारी लगी है।